हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, एमसीसी ने नीट 2019 की काउंसलिंग के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था वो सभी कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड कर दिया है। एमसीसी के 12 अक्टूबर 2019 के नोटिस के अनुसार जिन स्टूडेंट ने कार्ड से पेमेंट किया था उन सभी 86,621 कैंडिडेट्स का रिफंड 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2019 के बीच उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उसकी लिस्ट भी एमसीसी ने अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई थी। अभी 21 अक्टूबर 2019 को एमसीसी ने एक और नोटिस डाला है जिसके अनुसार यह बताया है कि 31,472 कैंडिडेट जिन्होंने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया था उनका रिफंड उनके बैंक अकाउंट में 4 से 11 अक्टूबर 2019 के बीच कर दिया गया है। इन दोनों प्रकार के कैंडिडेट की लिस्ट एमसीसी की वेबसाइट पर न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में डाल रखी है। तो जैसे ही हम एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करते हैं तो न्यूज एंड इवेंट्स में ये लिस्ट फॉर रिफंड यूजी 2019 पेमेंट वाया नेट बैंकिंग अक्टूबर 21 की ये लिस्ट है और इस लिस्ट को हम डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार का नोटिस दिया गया है और इसमें ये जो डिटेल दी गई है इसमें लिस्ट दी गई है एलिजिबल कैंडिडेट की, उसमें सीरियल नंबर दिया गया है, ट्रांजैक्शन आईडी दी गई है, कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है और बैंक का नाम दिया गया है जिससे आपने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया था। इसके बाद में रिफंड डेट दी गई है 4/10/2019। इसके बाद रिफंड अमाउंट दिया गया है और रिफंड रेफरेंस नंबर दिए गए हैं। दो प्रकार के रेफरेंस नंबर दिए गए हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, अपना नाम इसमें आप चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप अपने बैंक अकाउंट में इसको चेक कर लें आपके बैंक में रिफंड आया है या नहीं आया है। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं आया है तो जो इस लिस्ट में रिफंड रेफरेंस नंबर हैं उनको लेकर आप बैंक में जाएं और बैंक से बात करें और उस बैंक से बात करने के बाद में आपका पेमेंट आपके बैंक में डाल दिया जाएगा। अगर आप इन दोनों लिस्ट में आपका नाम नहीं है और रिफंड के लिए आप इलिजिबल हैं तो आप 1 नवंबर 2019 से फाइनेंशियल कस्टोडियन को भी मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है financemcc2019@lifecarehll.com। तो इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एमसीसी के रिफंड के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।